हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नाहर। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ठीक दो दिन पहले NFRA ने, दैट इज़ आर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने, एक ऑडिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट इशू किया है ऑन वन ऑफ द बिग फोर्स, एंड दैट इज डेलॉइट। तो दोस्तों, चलिए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले अगर इस वीडियो में आगे बढ़े तो मैं एक थोड़ा बेस सेट कर दूँ कि ये वीडियो आखिर क्यों है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे पास्ट वन ईयर से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड टू ऑफ द बिग फोर्स रिलेटिंग to audit of a particular company, and that is IL&FS Financial Services Limited. तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, जो IL&FS Financial Services Limited, that is Industrial Leasing and Financial Services Limited, ये company थी, इसके दो auditors थे for the year 2018-19, that is KPMG and Deloitte. तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये company में government को एक बहुत ही बड़ा fraud मिला है, and दोस्तों, ये जो fraud है, इसका लेवल अप्रॉक्सीमेटली 92,000 करोड़ का फ्रॉड आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने, MCA ने एंड ट्रिब्यूनल ने एलिगेशंस लगाए ऑडिटर्स पे कि ऑडिटर्स ने अपना काम बराबर नहीं किया है, दे हैव नॉट अप्लाइड देयर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने एक अलग गवर्नमेंट ने सेक्शन 132 में जो उनको पावर्स दी है फॉर सेटिंग अप अ सेपरेट अथॉरिटी, दैट इज NFRA, उसका सेटअप हुआ था अक्टूबर 2018 में किया है। तो इसके चलते अक्टूबर 2018 में एक न्यू अथॉरिटी का सेटअप हुआ, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी एक्जैक्टली क्या करेगी? तो दोस्तों, ये जो अथॉरिटी होगी वो एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जहाँ पे वो ऑडिटर अथॉरिटी के पास पावर होगी कि वो ऑडिटर्स के वर्क पेपर्स मंगा सके, उन्हें रिव्यू ले सके, वो जो वर्क पेपर है, जो उनको क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ऑडिटर को कर सके और ऑडिटर को उन क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। एंड दोस्तों, वो एक ऑडिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट इशू करेगी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑडिटर, स्टेटिंग दैट तुमने ये सारे काम बराबर किए, ये सारे काम बराबर नहीं किए। एंड इट ऑल्सो हैज द पावर टू sue the auditors, to ban the auditors, and to also impose penalty on those auditors. So, दोस्तों, December 12, 2019 को NFRA, that is National Financial Reporting Authority, ने एक AQRR issue किया है on Deloitte Audit Quality Review Report. तो दोस्तों, ये एक review report है about the audit quality that was done on IL&FS Financial Services Limited for the year 2017-18. तो NFRA ने ये report issue किया Deloitte पे, and दोस्तों, ये एक public document है, नीचे आपको description में मेरे Telegram का link रहेगा, आप वहाँ पे जाके वो document को access कर सकते हो। तो दोस्तों, ये 163 pages का एक पूरा उन्होंने audit quality review report issue किया है। तो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स पे जाऊंगा, एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट्स भी दिख रहे होंगे, जहां पे आप पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली मैं किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट्स कौन कौन से थे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सीरीज ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों, फेब 25 2019 को NFRA ने एक फॉर्मल लेटर इशू किया था टू डेलॉइट, स्टेटिंग दैट डेलॉइट का जो पार्टनर है, दैट सीए उदया सेन, जिसने फॉर द ईयर 2017-18 की IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट साइन की थी, उसका ऑडिट फाइल NFRA ने उनसे मांगा था कि आप हमें ऑडिट फाइल दे दीजिए जिसमें सारे वर्क पेपर्स, रोमम असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेक, मटीरियलिटी, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, मटीरियल सब कुछ होगा वो ऑडिट फाइल में। तो वो ऑडिट फाइल उन्होंने मांगी थी ऑन 25 फेब 2019। उसके बाद दोस्तों, ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स चलता गया, जैसा कि आप देख सकते हो, NFRA ने कम्युनिकेशन किया, डेलॉइट ने रिस्पांस दिया, अब NFRA ने क्वेरी भेजी, डेलॉइट ने रिस्पांस किया, एंड फाइनली 12 दिसंबर 2019 को एक ऑडिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट इशू कर दिया बाय NFRA। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस NFRA की रिपोर्ट के कंक्लूजन पे जाएं, तो हमें पता चल जाएगी, उन्होंने NFRA ने ऐसा कोट किया है कि It appears to the NFRA that the audit firm did not have adequate justification for issuing the audit report, asserting that the audit was conducted in accordance with standards and auditing. So, दोस्तों, as per NFRA, ऐसा कह रहा है कि Deloitte के पास justification नहीं था वो report को sign करने का, then to वो report sign हुई है। उसके बाद दोस्तों, वो second point ये कह रहा है, जैसा कि आप देख सकते होंगे, क्योंकि conclusion में वो ऐसा directly कह रहा है कि the audit firm has failed to achieve its central purpose of doing audit, and there was no adequate basis to issue the report that it did. तो मतलब मार्च फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018 में जो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू की थी डेलॉइट ने, उनके पास एडिक्वेट बेसिस नहीं था वो इशू रिपोर्ट करने का, एंड द सेंट्रल पर्पज ऑफ ऑडिट हैज बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो दोस्तों, ऐसा कंक्लूजन दिया है NFRA ने, बट दोस्तों, हमें इसके बारे में ऐसा जानना चाहिए कि ऐसा क्यों कंक्लूड किया NFRA ने, कि ऐसा कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे NFRA इस कंक्लूडिंग की नहीं
डेलॉइट का ऑडिट, डेलॉइट ने बराबर ऑडिट नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग इज दैट इज इंडिपेंडेंस ब्रीच। तो दोस्तों एनएफआरए का ऐसा एलिगेशन है टुवर्ड्स टुवर्ड्स डेलॉइट की उन्होंने इंडिपेंडेंस नहीं रखा है। तो दोस्तों ये ऐसा किस सेक्शन में बोल रहे हैं? तो एज पर सेक्शन 144 हम सब जानते हो कि और प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, मतलब वहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जहाँ पे द ऑडिटर्स कैन नॉट प्रोवाइड दीज ऑल सर्विसेज बीइंग द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। तो लेट्स से अगर मैं ऑडिटर हूँ पर्टिकुलर कंपनी का, तो मुझे सेक्शन 144 में जो 10 चीजें दी गई है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ टू माई ऑडिट क्लाइंट। तो दोस्तों यहाँ पे एनएफआरए ने क्या ऑब्जर्व किया कि एनएफआरए ने ऑब्जर्व किया कि डेलॉइट प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहा था टू दी होल्डिंग कंपनी एंड टू इट्स ऑडिट कंपनी। तो दोस्तों इन ऑल दीज केसेज द ऑडिट फर्म वॉज फाउंड टू बी हैव ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइडिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज एज पर सेक्शन 144 टू दी ऑडिटिंग कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल्स इन्होंने एनेक्शर 1 में दी है, जो आप मेरे नीचे टेलीग्राम ग्रुप में, जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों एनेक्शर 1 में उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि कौन सी कंपनी को किस तरह की प्रोहिबिटेड सर्विसेज डेलॉइट वॉज प्रोवाइडिंग। तो दोस्तों ऐसा एक एलिगेशन लगाया गया एनएफआरए ने कि यहाँ पे डेलॉइट वॉज प्रोवाइडिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज टू द ऑडिटिंग कंपनी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें जहाँ पे प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था डेलॉइट, एज पर सेक्शन 144 इट इज कंपलसरी दैट ऑडिट कमेटी अप्रूवल मैंडेटरी होना चाहिए फॉर प्रोहिबिटेड सर्विसेज। बट दोस्तों ऐसा कोई भी केसेस में एनएफआरए को बोर्ड अप्रूवल ऑडिट या फिर ऑडिट कमेटी अप्रूवल नहीं मिला है फॉर ऑल एनी ऑफ दोज केसेस। तो दोस्तों यहाँ पे एनएफआरए बोल रहा है डेलॉइट को कि बेसिकली आपने जो भी प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड किए टू द ऑडिटिंग कंपनी, आपको उसका एसीए में अप्रूवल लेना चाहिए था, बट आपने अप्रूवल नहीं लिया और लिया भी है तो भी आप प्रोवाइड नहीं कर पाए हो टू एनएफआरए अप्रूवल्स। तो यहाँ पे एनएफआरए कह रहा है कि डेलॉइट ने बेसिकली एसीएम ऑडिट कमेटी अप्रूवल्स नहीं लिए फॉर प्रोवाइडिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज। उसके बाद दोस्तों जो एक बात कर सकते हैं दैट इज एक और जो पॉइंट था एनएफआरए का कि आप सब जानते होंगे कि जो साइनिंग पार्टनर थे सीए उदया सिंह, ये फॉर द ईयर 2017-18 थे, बट ये साइनिंग पार्टनर थे। जो रिव्यू पार्टनर थे उनका नाम था सीए राकेश जैन। तो दोस्तों इन पे क्या एलिगेशन लगाए गए हैं कि डेलॉइट ने दो पार्टनर्स अपॉइंट किए थे विच इज अ वायोलेशन अकॉर्डिंग टू SQC1 दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। SQC1 ये क्लियरली डिफाइन करता है कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे SQC1 ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कितने पार्टनर्स हो सकते, बट इट सेज दैट आपको मैनेजमेंट को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि कौन सा आपका पार्टनर साइनिंग पार्टनर है और कौन सा आपका पार्टनर रिव्यू पार्टनर है। इस केस में सीए उदया सेन वॉज अ साइनिंग पार्टनर एंड सीए राकेश जैन वॉज अ रिव्यू पार्टनर, बट ये मैनेजमेंट को कभी भी कम्युनिकेट नहीं किया गया बाय द ऑडिटर की मैनेजमेंट को कभी कम्युनिकेट नहीं किया गया कि कौन सा पार्टनर रिव्यू पार्टनर है, कौन सा साइनिंग पार्टनर है। तो ये रीजन की वजह से एनएफआरए थिंक्स दैट दिस हैज बीन अकाउंटेबिलिटी इशू कि कौन से पार्टनर को वो अकाउंटेबल करना है। बट दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट, बट लेट्स से एनएफआरए ने कुछ अगर इस पे कंक्लूजन लिया है तो उन्होंने डेफिनेटली सोच समझ के लिया होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो पार्टनर्स थे दैट इज राकेश जैन एंड उदया सिंह, दे वर अपॉइंटेड फॉर पास्ट 2 years, उनको सिर्फ 2 साल हुए थे। एंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एज पर ऑल्सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एक पार्टनर एक पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट ओनली फॉर 7 years तक कर सकता है। अगर वो 7 years से ज्यादा कर रहा है तो वो प्रोहिबिट किया जाएगा एज बींग द पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। बट यहाँ पे दोस्तों जो अदर पर्सनल थे या फिर जो सीनियर्स हो गए या फिर सीनियर मैनेजर्स डायरेक्टर्स हो गए, वो लोग ऐसे 2 लोग थे उसमें से जो मोर देन 7 years तक काम कर रहे थे इन दैट कंपनी, मतलब इन दैट ऑडिट लाइन। तो ऐसे 2 लोग थे जो मोर देन 7 years काम कर रहे थे एंड एज पर डेलॉइट पॉलिसी जो रोटेशन पॉलिसी वो उनके स्टाफ पे भी अप्लाई होती है, नॉट ओनली टू द पार्टनर। तो यहाँ पे एनएफआरए ने ऑब्जर्व किया कि एक और वायोलेशन हुआ ऑफ देयर प्रिंसिपल्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था कि सीए कल्पेश मेहता वॉज द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर लास्ट पीरियड प्रायर पीरियड ऑफ 2 years, मतलब 2 साल पहले का 5 साल पहले तक, मतलब 2 साल पहले से 5 साल पहले जो पीरियड था 5 years का जो पीरियड था वहाँ पे सीए कल्पेश मेहता वॉज अ पार्टनर इन दैट कंपनी। एंड वहाँ पे दोस्तों वो टाइम पे एक एनबीएफसी का सर्कुलर आया था स्टेटिंग दैट अ पार्टनर कैन नॉट बी अ साइनिंग पार्टनर फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट फॉर मोर देन 3 years, बट दोस्तों सीए कल्पेश मेहता वॉज अ पार्टनर फॉर मोर देन 5 years एंड एज पर नाफ्रा विच इज अ वायोलेशन ऑफ दैट एनबीएफसी सर्कुलर एंड थस द ऑडिट फॉर्म क्लियरली शोज अ वायोलेशन ऑफ द आरबीआई डायरेक्शन। सो आरबीआई ने एक डायरेक्शन इशू किया था टू द ऑल द एनबीएफसी स्टेटिंग दैट उनके जो पार्टनर्स होंगे वो मोर देन 3 years तक नहीं हो सकते द सेम पार्टनर, द पार्टनर नीड्स टू बी रोटेटेड आउट।
बट ऐसा हुआ नहीं है. एंड सीए कल्पेश मेहता वॉज अ पार्टनर फॉर मोर देन फॉर 5 years विच हैज वायलेटेड द आरबीआई डायरेक्शन एज पर NFRA. उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट था टाइम बुकिंग का था, यहाँ पे दोस्तों एनएफआरए ने डेलॉयट को बोला था कि उन्हें जितने भी सीए उदया से ने जितना भी टाइम बुक किया है ऑन द क्लाइंट उसके सारे डिटेल्स चाहिए, दैट इज बेसिकली टाइम शीट चाहिए था उनको, टाइम एंट्री चाहिए था कि कितने आवर्स बुक किए सीए उदया से ने. टू विच NFRA नोटेड दैट द ऑडिट फर्म ने 180 आवर्स उदय सिंह ने डिवोट किया था ऑन दैट पर्टिकुलर ऑडिट लाइन, जिसमें से 80 आवर्स मैन्युअली ऐड किए गए थे इन द ऑडिट फाइल, विच एज पर NFRA इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड देयरफॉर डजंट हैव एनी मीनिंग. दिस इज एज पर NFRA. यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो उसका. उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था रिगार्डिंग द ऑडिट फीस. तो दोस्तों पहले जो ऑडिट फीस थी फ्रॉम द IL&FS ग्रुप, एंटायर IL&FS ग्रुप विच वॉज चार्ज बाय डेलॉइट वॉज अराउंड 4 crores. उसके बाद दोस्तों ये जो फीस थी फॉर द ईयर 2017-18 वो हाइक हो गई है अप्रोक्सीमेटली, अब वो फीस हो चुकी है 6 crore rupees. तो दोस्तों यहाँ पे जो 50% ऑलमोस्ट जो 50% का जंप है एज पर NFRA दिस इज अनजस्टिफाइड एंड इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट. दिस इज एज पर NFRA. एंड दोस्तों उसके बाद NFRA हैज देयरफॉर रीच टू द कंक्लूजन रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन टुवर्ड्स TCWG. मतलब NFRA यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ऑडिटर ने जो कम्युनिकेशन किए थे टुवर्ड्स TCWG आर नॉट इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग. मतलब लेट्स से अगर डेलॉयट को कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG को, दैट इज दोस चार्ज विद गवर्नमेंट एंड द मैनेजमेंट, बट उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया विच इज इन वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो NFRA देयरफॉर रीइंफोर्स इट्स कंक्लूजन दैट द ऑडिट फर्म हैज ग्रॉसली फेल्ड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन auditing pertaining to communication with TCWG and the manager. Well, the audit firm has failed to comply with the standards of auditing related to communication to management. Audit or fees audit is over. रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, ये दोस्तों बहुत ही मेरे को शॉकिंग लाइन लगी जो NFRA ने इतना बोल्डली स्टेट किया यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ वर्क पेपर्स रिव्यूड बाय सीए उदया सेन विच क्लियरली शोज दैट ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑडिट दैट इज इंडिपेंडेंस इवैल्यूएशन रिस्क असेसमेंट ऑडिट प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट और डोज चार्ज इन गवर्नेंस वॉज नॉट डायरेक्टेड नॉट सुपरवाइज और रिव्यूड बाय सीए उदया सेन. तो NFRA ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो साइनिंग पार्टनर थे उन्होंने कोई भी वर्क पेपर्स बराबर से रिव्यू नहीं किए हैं. तो ये एक और एक पॉइंट था ये कंक्लूजन जिस कंक्लूजन पे NFRA रीच हुआ है. उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन है दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो ऑडिट क्वालिटी रिपोर्ट है ये NFRA की रिपोर्ट में ऐसा लिखा है ऑल्सो इवेल्युएट्स द क्वालिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ सुपरविजरी प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट फॉर्म. द AQR इज देयरफॉर नॉट टू बी ट्रीटेड एज एन ओवरऑल रेटिंग टूल. मतलब जो AQR है उसको एज अ टूल नहीं माप सकते कि डेलॉयट कितना अच्छा ऑडिटर है या कितना बुरा ऑडिटर है. तो दोस्तों ये नॉट एक रेटिंग टूल है, दिस इज पर्टिकुलर टू दैट एंगेजमेंट एंड मे नॉट अप्लाई टू द एंटायर फॉर्म ऑफ डेलॉयट. दोस्तों AQR इज देयरफॉर not to be treated as an overall rating tool. Separately, NFRA will also examine whether disciplinary proceedings under section 132 subsection 4 of the Companies Act needs to be initiated. तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा crucial point है जहाँ पे NFRA ने state किया कि अभी वो सोच रहे कि क्या उन्हें section 132 subsection 4 of the Companies Act में कोई action लेना है against the firm. तो दोस्तों ये section 132 subsection 4 अगर मैं कहूँ it is a very harsh section on the auditors जहाँ पे कहते हैं कि वो पेनल्टी लगाएंगे, दैट्स ओके, पेनल्टी लग सकती है. उसके बाद जो मेंबर है जिसने ऑडिट किया है वो पर्टिकुलर क्लाइंट का, उसका जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट है जिस गिवन बाय सीए वो ले सकते हो उससे. थर्ड थिंग, फॉर्म पे बैन लगा सकते हैं. फोर्थ थिंग, फॉर्म को स्यू कर सकते हैं. तो दोस्तों ये जो पावर्स है सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 में वो NFRA के पास है. एंड अभी आने वाला समय ही बताएगा एग्जैक्टली क्या आने वाला समय ही बताएगा कि एग्जैक्टली NFRA क्या 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 प्रोसीडिंग्स ले क्या प्रोसीडिंग्स लेता है अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनी एक्ट. तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.